शॉर्टकट की पढ़ेंगे वर्किंग विथ डॉक्यूमेंट्स। एमएस वर्ड में अगर डॉक्यूमेंट के साथ वर्क करें तो उसका शॉर्टकट की देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, अगर हमें न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगा, कंट्रोल प्लस एन होगा। यानी न्यू डॉक्यूमेंट के लिए शॉर्टकट की क्या होगा, कंट्रोल प्लस एन होगा। अगर हमें डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस ओ होगा। किसी भी डॉक्यूमेंट को एमएस वर्ड में क्लोज करना है तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू होगा। डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो कंट्रोल प्लस एस होगा। क्विट करना है वर्ड को, यानी कि वर्ड से बाहर आपको निकलना है एमएस वर्ड से, तो ऑल्ट प्लस F4 होगा। अगर हमें कोई भी टेक्स्ट को फाइंड करना, फॉर्मेटिंग करना है स्पेशल आइटम को, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस F होगा। अगर रिपीट फाइंड करना है तो ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस Y होगा। अगर हमें रिप्लेस करना है टेक्स्ट को स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग एंड स्पेशल आइटम्स को, तो कंट्रोल प्लस H होगा। अगर हमें जाना है बेस, बुक मार्क, फुट नोट, टेबल, कमेंट, ग्राफिक और अदर लोकेशंस के लिए कंट्रोल प्लस G इसके लिए शॉर्टकट की होगा। अगर हमें जाना है गोज़ बैक टू पेज, बुक मार्क, फुट नोट, टेबल, कमेंट, ग्राफिक और अदर लोकेशन, तो इसके लिए शॉर्टकट की और क्या होगा, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस जेड होगा। अंडू एक्शंस के लिए कंट्रोल प्लस जेड होगा और रीडू और रिपीट एक्शन के लिए कंट्रोल प्लस Y होगा। तो ये शॉर्टकट कीज थे। किसके लिए शॉर्टकट कीज थे, अगर हम एमएस वर्ड में वर्क करें डॉक्यूमेंट के साथ।